सो आज हाल चाल नहीं पूछने वाली हूँ आप लोगों का कि कैसे हैं आप लोग। आज अपना हाल बताने वाली हूँ। आज ना बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है मेरे ऊपर, और इल्ज़ाम ऐसा है कि अगर उसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़े ना, तो मुझे लगता है वो बहुत कम है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। और जब मैंने अपना गुनाह देखा तो फिर मैंने लगा है मैंने गुनाह किया है कि जिसने इल्ज़ाम लगाया उसने किया है। तो ये क्या पूरा माजरा है मैं बताती हूँ। उससे पहले बताऊँ कि मैंने जैसे ही अपना यूट्यूब खोला तो वहाँ पर ये हुआ कि कई सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने कंटेंट कॉपी पेस्ट किया है। मैंने किसी का किया होगा, बट मैं बताती हूँ ना पूरा, आप पूरा वीडियो देखना और वीडियो मत बंद करना। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको 2x की स्पीड से देख लेना, बट पूरा वीडियो देखना। और तो कई सारे ऐसे आ रहे थे कमेंट, एक आता है तो मैं इग्नोर कर देती, बट ऐसे करके बहुत सारे आ गए कि आप कॉपी पेस्ट मत करिए और आप अपना कंटेंट डालिए। तो मैं फिर गई, मैंने देखा, फिर मेरे दोस्तों से का कुछ मैसेज आया कि ये तुमने किया है या सामने वाले ने किया है। तो फिर मैंने उसका कंफर्म करा कि किसने क्या किया है, ठीक है, और मैं पूरा आप लोगों को बताऊंगी। और जिन्होंने मैसेज किया है वो भी ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो ये हुआ कि जब मेरे ऊपर ब्लेम लगा कि मैंने किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट किया है, तो पहले मैं अपना मामला बताऊँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि शायद मुझे लगता है ना कि लड़की समझ के उन्होंने सोचा होगा, अरे लड़की है क्या कर लेगी, और मैं बस इसको चलो उड़ा देता हूँ। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हम तो सब्सक्राइबर नहीं कहेंगे, वो हमारे भाई और बहन की तरह हैं। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे भाई बहन, उन लोगों की नज़र में थोड़ा सा मैं निगेटिव बन बन जाऊंगी ना, या बन गई ना, तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। वरना मुझे वीडियो बनाने का ना शौक था, ना मैं किसी को रिप्लाई देने में, क्योंकि इतना समय मेरे पास कहाँ है। आप सबको पता है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो चीज़ करती हूँ वही बताती हूँ, और इतना समय नहीं है यार ज़िंदगी में। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए यूट्यूब छोड़ के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ, और आगे आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं फिर इतना YouTube पर ध्यान नहीं देती, लेकिन जब से आप लोग जुड़े हैं या आप लोगों का प्यार मिलता है तो थोड़ा सा, हाँ, मैं आप लोगों के साथ रहती हूँ, थोड़ा रेगुलर में बनी रहती हूँ। तो शायद लगा होगा अरे लड़की है क्या ही कर लेगी, जवाब तो दे नहीं पाएगी, तो चलो फिर थोड़े मज़े ही ले लें। तो मैं बताती हूँ क्या उनका कमेंट आया, या क्या उन्होंने, मैंने क्या उनका कॉपी पेस्ट किया। एक मैंने पोस्ट सुबह 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मैंने एक पोस्ट डाली, ठीक है। ये है पूरा माजरा जो मैं बता रही हूँ। मैंने पोस्ट डाली, मैंने वो अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाला जो भी जल्दी बनाया है मैंने, उसके बाद मैंने टेलीग्राम पर डाला, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब पर डाला, ठीक है। वो मैं क्या कर रही थी, मैं ये वाली किताब सुबह सुबह मैं पढ़ रही थी, ये वाली किताब, ठीक। ये है, शायद दिखेगा नहीं, ये घटना सार का है, करंट अफेयर है। मैं ये वाली किताब पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि इसमें से एक एक पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा कि अपने जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बताती हूँ कि ये। तो उन्होंने क्या किया, मेरे यूट्यूब चैनल से या मेरे टेलीग्राम से, कहीं से भी निकालोगे, क्योंकि मैं हर जगह पोस्ट कर देती हूँ, और अपना मैं कुछ थंबनेल या कुछ ऐसा लगाती नहीं हूँ। तो उन्होंने निकाल के अपने पे डाला, और कुछ देर बाद अपने पे डालने के बाद, अपने चैनल या ग्रुप पर, टेलीग्राम पर डालने के बाद, उन्होंने क्या करा, बाद में एक लंबा चौड़ा मेरे लिए लिखा मैसेज। उन्होंने लिखा कि ऐसा मुझे, मतलब मेरा जो ये माल है, कंटेंट जो माल कह रहे थे, वो कंटेंट को माल कह रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आया क्या ही है, तो मेरे इस माल को कॉपी पेस्ट कर रहे, ठीक है, और आप जो है कॉपी पेस्ट करके थोड़ा क्रेडिट दे दिया कर, आप जा करके अभी देख लेना, जो भी कमेंट करे थे वो भी जा करके देख लेना, और मैं प्रूफ के साथ बताऊंगी, ऐसे मैं फेंकूंगी नहीं पूरा, इसलिए कहा है देख लेना। उनका मैंने देखा कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने अपनी टाइमिंग मैच कराई और उनकी टाइमिंग मैच कराई। भाई ऐसे बोलने से पहले टाइमिंग भी तो मैच होनी चाहिए, ठीक। अब ये तो है नहीं कि मेरे पड़ोसी हैं, तो मैंने बस उनसे पहले मैंने फोटो खींच के डाल दिया, फिर उनने उन्हें बाद में डाला, मैं तो जानती भी नहीं उनको। तो उन्होंने मेरे चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक। अब मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अपनी टाइमिंग दिखा दूंगी, मैंने कब पोस्ट किया था, मैं हर जगह का दिखा दूंगी। मैंने टेलीग्राम पर किया, व्हाट्सएप पर, तो उसमें सेम टाइमिंग लिखा हुआ है मिनट के साथ, ठीक है। कम्युनिटी पे तो घंटे लिख के आते हैं, तो वो मैं सारे पोस्ट अभी दिखाती हूँ आप तक। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ मेरा नाम ऊपर लिखा हुआ है, रुको मैं अच्छे से बताती हूँ। ये देखो यहाँ मेरा, मतलब लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, और खुशबू तिवारी ये है, और इतने हैं हमारे मित्र, इतने ही हैं भाई। तो चलो अब मैं प्रूफ दिखाती हूँ। तो ये मैं अपने चैनल पे हूँ, ये कुछ अभी सर ने मेरे कुछ पोस्ट किया हुआ है, जो कि अभी मैं आप लोगों के साथ ही बिजी हूँ तो भी देखूंगी। हाँ, तो ये है मेन मुद्दा, देखो
मैंने इसे ना पोस्ट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं महारत्न कंपनी। आ रुको मैं फिर से दिखाती हूँ, ये फोटो मैं ले लेती हूँ, रुक जाओ, ये देखो, ये इसे बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है, यही है ना, यही मैंने कॉपी के पेस्ट किया था, ठीक है। और मैंने ये यहाँ पर मैंने कुछ इसके लिए मैसेज भी लिखा हुआ था कि आप कैसे क्या इसे पढ़ें, और इतने सारे मेरे बहुत अच्छे जो सपोर्टर हैं जिन्हें मैं जेन्युइन उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, और प्रॉमिस मैं अब इन लोगों के लिए करूँगी, जो ये 1800 ज्वाइन है ना, ये 1870 यानी कि लगभग 1900 ज्वाइन है ना, मैं जेन्युइन इन लोगों के लिए आप कुछ करूँगी, क्योंकि ये हमारे जेन्युइन हैं जिन्होंने उठाई, और जिन्होंने मेरे YouTube पर उंगलियां उठाई हैं, तो मैं उनको भी बताती हूँ, आपको ये जवाब दे दूंगी, मैं आपसे कुछ नहीं, प्यार उतना ही आप लोगों से, लेकिन आपको मैं प्रूफ, देखो ये 8:15 पे मैंने पोस्ट किया है, 777 लोगों ने देखा है, ये देखो, ये यहाँ देखो, ये देखो 8:15 पे मैंने पोस्ट किया है, ये मैंने 8:20 पर पोस्ट किया है, तो ये मैंने अपने टेलीग्राम पर पोस्ट किया हुआ है, टाइमिंग देख लेना, और जहाँ उन्होंने भाई साहब ने पोस्ट किया है ना, उनकी जाकर के टाइमिंग देख लेना कि उन्होंने कब पोस्ट किया है, ठीक है। और यही मैं रुकने वाली नहीं हूँ, ये हमारी कुछ पोस्ट है, मैंने 7:57 पे एक वीडियो पोस्ट करी थी, जो आप लोग जा करके देख भी लेना, आप लोगों के फायदे की वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा टेलीग्राम है, उसके बाद चलो मैंने व्हाट्सएप पर भी पोस्ट आती हूँ, तो ये मैं आ गई व्हाट्सएप पर रखते हैं, और ये मैंने पोस्ट डाली थी, अब इसकी टाइमिंग आप देखो, अब ये देखो 8:19 पर मैंने पोस्ट किया है, अब उन भाई साहब के पास जा करके देखो जिन भाई साहब ने मेरी ये पोस्ट उठा के अपने पर पोस्ट कर दिया, और उसके बाद उनकी टाइमिंग देख लेना, वो 8:19 के बाद ही पोस्ट होगी, तो अब ये बताओ आप जन कि क्या मैं उनसे पहले कैसे मैं पोस्ट कर दूंगी, आप ही बताओ, अगर उन्होंने 9 बजे के बाद पोस्ट करा और मैंने 9 बजे के अंदर ही कर दिया, यानी 8 बजे के आसपास कर दिया, तो उनसे पहले ही किया ना, अगर थोड़ा बहुत आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं, अधिकारी होंगे फ्यूचर में, और आई होप आप सब अधिकारी हों, तो आप खुद बताओ, ये है ना, एक मिनट, ये आप देख रहे हैं ना टाइमिंग 8:19 है, ठीक है, चलो ये हो गया, अब मैं आप लोगों को बुक दिखाती हूँ, मेरा लास्ट प्रूफ है, ये देखो, ये मेरे पास घटनासार है, ठीक, मेरी ये है, और मैं कुछ ये टारगेट आप लोगों को देती हूँ, जो कि मैं यहाँ पे टिक लगाती रहती हूँ, आप लोगों का कंप्लीट होता रहता है तो मैं लगा लेती हूँ, ठीक, ये है महारत्न कंपनियाँ, और ये मैं देखो आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी लिखा हुआ है, ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी 13वीं महारत्न कंपनियाँ, मैं ये पढ़ रही थी, यहाँ मैंने देखो पहले में मैंने टिक लगाया हुआ है, दूसरे में मैंने लगाया हुआ है, तीसरे में भी लगाया हुआ है, चौथे में लगाया हुआ है, पाँचवें में लगाया हुआ है, और नीचे भी लगाया हुआ है, यहाँ देखो मैंने भी टिक लगाया हुआ है, टिक ये देखो मैंने पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों को ये डाउट हो कि हाँ मैंने बाद में लगा लिया टिक, ठीक है, तो देखो भाई मैंने ये आगे पढ़ा हुआ भी है, इसके आगे भी प्रूफ है, जब मैंने ऐसे फोटो खींचा था तो मेरे यहाँ पैर आ गए थे, लेकिन थोड़ी सी प्राइवेसी है, अब खुद की भी रखनी चाहिए ना, तो मैं अपने पैर के फोटो नहीं दे सकती, इसलिए देखो मैंने ये पढ़ा था, ये देख रहे हो मैंने खुद पढ़ा हुआ है, मैं कितना टिक लगाऊंगी, हैं, देख रहे हो, ठीक, देख रहे हो, ये देखो यहाँ टिक लगा हुआ है, तो ये रही कुछ टिक जो मैंने लगाई है, तो मुझे बस यही दिखाना था, ये मैंने इसलिए इतना दिखाया, मुझे कोई किसी को प्रूफ नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, मुझे बस ये इतना इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे ना बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे जो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैंने एक दो कमेंट कर देखे ना तो मैंने इग्नोर कर दिया कि चलो छोड़ो, लेकिन बहुत ऐसे कमेंट आए, आप जा करके मेरी पिछली वीडियो में देखना, बार बार चीज़ें, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि एक बार अगर मैं निगेटिव नहीं हूँ या फिर मैंने नहीं काम किया है तो मुझे क्यों ऐसे शब्द मिल रहे हैं जो मुझे मेरे ऊपर सूट भी नहीं करते, और शायद मेरा एक ही गुनाह है कि मैंने पढ़ती हुई चीज़ों को मैंने आप लोगों के पास शेयर किया, और जो हमारे अपने हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने कहा कि मैं सही हूँ और शायद कुछ मिस्टेक हो गई होगी, और जिन्होंने आकर के दूसरे जगह से आकर के बताया, मैं उनको भी थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि आप अगर ना बताते तो शायद मुझे पता भी ना चलता, क्योंकि आप ही के कमेंट से मुझे पता चला है, और मैं कोशिश क्या मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि हर एक जो तैयारी कर रहा है हर कोई सिलेक्शन पा ले, अधिकारी बन जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे जहाँ से पढ़ें, चाहे जो चीज़ करें, बस सिलेक्शन होना चाहिए, और मैं थैंक यू बोलूँगी कि जो हमारी टीम है, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ या फिर मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है, बट हमारी जो टीम है जो हमारे साथ हैं उन्होंने वो हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं, तो थैंक यू उन लोगों के लिए कि मैं छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें सही है, और आप लोग हैं, हम हैं, और मैं किसी को कुछ नहीं कहती, और बस यही कहूँगी कि मैंने जो चीज़ नहीं करी तो वो बुरी लगती है, बस इतना ही कहूँगी, और कभी मैंने कुछ कॉपी पेस्ट या कभी मैंने कुछ किसी का इधर से उधर नहीं किया, अगर मेरे किसी जानने वाले के हैं या कुछ है तो मैं उनकी चीज़ें मतलब भेज देती हूँ अपने चैनल पर या ग्रुप पर, और जिनको जानती हूँ, और जो ज़रूरी होता है कि नहीं ये भेजना चाहिए वही भेजती हूँ, तो मैं ज़्यादा चीज़ें इधर उधर से भेजती भी नहीं, और मैं मतलब अब क्या ही बताऊँ, ज़्यादा सफाई तो दे नहीं सकती, बट जितना मुझे बताना था अपनी तरफ से बता दिया, अब आप बताइएगा, और जो कमेंट आकर के कर रहे थे हमारे भाई बहन, वो एक बार आप खुद अब बताइएगा, जा करके टाइमिंग देख के ही बता दीजिएगा कि किसने पहले पोस्ट किया है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का एक ही चीज़ है, टाइमिंग से ही हर चीज़ कन्फर्म होती है, तो टाइमिंग से ही बता देना।
और मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि हाँ मैं गलत नहीं थी, वो कुछ हो गया होगा ऊपर नीचे, मैं नहीं जानती ना मुझे जानना है। और जो हमारे टीम है, हमारी जो टेलीग्राम पर है, हम सब साथ में हैं, जैसे उसमें बहुत अधिकारी भी हैं एक दो, तो जो भी हैं हम लोग कभी ये चीज़ नहीं सोचे कि हम कोई चीज़ बेचें या करें, कभी हमारी ऐसी टॉपिक पर बात ही नहीं हुई, क्योंकि हम ये अभी हमने मतलब अभी क्या मैंने कभी सोचा ही नहीं कि बेचूँ। और आप लोगों की कृपा से मतलब घर वालों के पास इतना है कि मेरी पढ़ाई हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर मैं जो है कुछ बेचूं या मैं PDF कहीं से लेकर के आऊं। और आप मेरे वीडियो में देखते होंगे, मैं सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोलती कि आप करें या ना करें, अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप कर लेते कर लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो आप नहीं करेंगे। तो मुझे इतना वो नहीं है, बस मुझे शौक़ है, तो मैं अपने शौक अपने करती हूँ। जैसे बहुत को डांस करने का शौक़ है, तो मुझे पढ़ाने का शौक़ है, और मुझे कोई ज़्यादा वो है नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और मेरी टीम जो मेरे बैग में खड़ी हुई है, मतलब कि जो मेरे साथ खड़ी हुई है, उनको भी थैंक यू। और आप लोग जो भी हैं आजकल जो भी पोस्ट पोस्ट कर रहे हैं या फिर जो मैसेज आ रहे हैं इधर उधर, वो उन लोगों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे। अगर प्रॉब्लम है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर क्या ही कर सकते हैं।